हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी ऑटो BS3 ऑटो, एफ पियागो या महिंद्रा अल्फा हो या नंदी क्रांति, कोई सी भी ऑटो अगर सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है और प्रेशर डाउन है गाड़ी का और पूरा इंजन लीकेज हो चुका है और हर रोज ऑयल कम करती है, जैसे 200-300-400 ग्राम, अगर हमारी गाड़ी में 400-500 प्रॉब्लम हो जाए तो हमें गाड़ी का कौन सा पार्ट रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में आप बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हमें सॉल्यूशन भी बताएंगे कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है और हमें कौन सी चीज़ ठीक करवानी पड़ेगी ऑटो में, जिससे हमारी गाड़ी में इस प्रॉब्लम का हमें फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। पहले तो इस गाड़ी की लीकेज देखो, कितनी ज़्यादा मात्रा में इस गाड़ी में लीकेज है। और ये एफ पियागो BS3 गाड़ी है भाई, ये गाड़ी हमारे पास आई और इन्होंने अपनी गाड़ी की कंडीशन दिखाई हमें, तो मैं आपको इस गाड़ी कंडीशन के थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी वाइट सुबह सुबह वाइट स्मोक देती हो या सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती हो, दिन में भी वाइट स्मोक देती हो और ऐसे लीकेज हो जाए, तो इन तीनों रीजनों में हमें गाड़ी का क्या काम करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम देती है और दिन में ठीक गाड़ी चलती है, तो आप क्या करें, अपनी गाड़ी के देखो ये नोजल है और ये पंप है, इन दोनों को चेक करवाएं भाई, अगर आपकी गाड़ी सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम देती है। क्योंकि काफ़ी भाइयों की कमेंट रहती है कि हमारी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम देती है सुबह सुबह, दिन में ठीक चलती है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी गाड़ी के नोजल पंप चेक करवाना भाई, अगर फिर भी देखती है तो फिर आपने अपनी गाड़ी के रिंग डाउन हो चुके हैं, जो कि गाड़ी में प्रेशर का काम करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वो मेन काम रिंगों का ही होता है, वो डाउन हो चुके हैं। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, इन दोनों स्मोकों को देती है, जैसे हम पूरी रेस देते हैं तो वाइट स्मोक दे या ब्लैक स्मोक दे, अगर वाइट स्मोक दे और ब्लैक स्मोक दे दोस्तों, सबसे पहले तो फिर भी आपने नोजल पंप को ही चेक करवाना है, रिंग पिस्टन नहीं खुलवाने गाड़ी के। काफ़ी मिस्त्री ड्राइवर को मतलब अच्छे से समझा नहीं पाते, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज़ बड़े बारीकी से बताते हैं भाई इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर हम जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं ऑटो लाइन के बारे में। तो आपने उस प्रॉब्लम में भी अपने नोजल पंप को ही चेक करवाना भाई। अगर आपकी दो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो चुकी हैं, इन दोनों प्रॉब्लम सेम है भाई, नोजल पंप को ही पहले चेक करवाए उसके बाद या क्या काम करवाए, सीधा आपने रिंग पिस्टन नहीं डलवाने हैं। और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा मात्रा में लीकेज कर देती है, जैसे बूट की तरफ से लीक करने लगी, टापट कवर की तरफ से लीक हो गया पत्ता, अदरवाइज हमारे गेज की साइड से लीकेज करने लगी गाड़ी, तो उस प्रॉब्लम में आपने क्या करना भाई, गाड़ी के अंदर बैक प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमें बूट चेंज करवा लेंगे तो टापट कवर से ऑयल फेंक देगी, अगर टापट कवर का पत्ता ठीक कर लेंगे तो गेज की तरफ से ऑयल फेंक देगी। तो इन तीनों कंडीशनों में अगर ऐसी लीकेज की प्रॉब्लम बार बार आती है, एक बार हमने जैसे बूट डलवा दिया, पत्ता डलवा दिया, गेज के बूस भी लगवा दिया और गेज भी नया चेंज कर दिया, तब भी गाड़ी में बैक प्रेशर है, तो आपने उस सिचुएशन में भी गाड़ी के रिंग पिस्टन करवाने पड़ेंगे। ये तीनों प्रॉब्लम को हमने बता दिया आपको। अगर आपकी गाड़ी ऑयल कम करती है, जैसे हर रोज गाड़ी 200-300 ग्राम ऑयल कम कर देती है, तो सबसे पहले अगर हमारी गाड़ी 200-300 ग्राम ऑयल कम करती है, एक बार अपना ये हवा वाला फिल्टर होता है, एक बार फिल्टर को जरूर चेक करें भाई, कभी फिल्टर हमारा चौक तो नहीं हो चुका, इसकी वजह से भी गाड़ी ऑयल कम कर सकती है। और देखो ये हमारा होस पाइप होता, देखो ये फटा हुआ है भाई, इसकी वजह से भी हमारे रिंगों को पूरा धक्का लगेगा और रिंग डाउन होंगे। तो आपने ड्राइवर ने खुद इन बातों का ध्यान कर रखना पड़ता भी, मैन होस पाइप गाड़ी को खुलकर और स्वच्छ शुद्ध सांस मिलेगा तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, अगर दूषित वातावरण जैसे धूल मिट्टी का सांस मिलेगा तो क्या होगा, रिंग डाउन होंगे। तो दोस्तों, इन तीनों प्रॉब्लमों को हमने बता दिया, सबसे पहले आपने नोजल पंप चेक करवाए, अगर ये प्रॉब्लम रहती है स्टेप बाय स्टेप आप रिंगों को भी चेक करें, और उसके बाद इस गाड़ी में देखो ये होस पाइप भी फटा हुआ है और ज़्यादा मात्रा लीकेज भी है, तो इस कंडीशन में गाड़ी के कौन कौन से पार्ट को नुकसान होता है वो हम दिखाते हैं भाई आपको। तो दोस्तों, ये ब्लॉक किट निकली है भाई इसके अंदर से, जो हमने निकाल लिया, देखो भाई
ये यहाँ से पूरी लाल है और कट भी चुकी है, जैसे हाथ लगाते ना कहीं से डाउन है कहीं से नीचे अप डाउन है। और जहां तक हम पिस्टन की बात करें, पिस्टन हमें इसके अंदर जब चेक किया था हमने, लूजिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। और रिंग तो चल खत्म हो ही जाते हैं, अगर अगर हम जब भी गाड़ी खुलवाएंगे तो रिंगों का काम जरूर करवाना पड़ेगा, रिंग नए ही डालने चाहिए भाई। उसके बाद हम बात करते हैं टुकड़ियों की। देखो भाई पहले तो इसकी कंपनी चेक करते हैं भाई, क्लोज कर दिए भाई, कंपनी तो अच्छी है लेकिन लाल हो चुकी है। ये किस वजह से हुई है कि गाड़ी ऑयल खाने लग गई थी और जिसकी वजह से टुकड़ियों को अच्छे से ऑयल नहीं मिल पाता था और गाड़ी ज़्यादा हीटिंग पकड़ती थी, तो असर आएगा टुकड़ियों पर आएगा। मतलब रिंग, पिस्टन, ब्लॉक किट और टुकड़ियाँ इस गाड़ी की अब चेंज होगी। और ये देखो अभी लोकल किट है, इसका कोई भी नाम थप्पा नहीं है, डुप्लीकेट किट डलवा रखी है, हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे इस गाड़ी के अंदर। हम रोलेक्स की 85 mm BS3 गाड़ी की किट डालेंगे और क्लोस्कर कंपनी की देखो भाई स्टैंडर्ड की टुकड़ी और IPL के 85 के हम रिंग डालेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था भाई, काफी कमेंट रहती थी लोगों की कि हमारी गाड़ी में व्हाइट स्मोक है, ऑयल कम करती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, सुबह सुबह स्टार्टिंग देती है, दिन में गाड़ी ठीक चलती, इन सभी प्रॉब्लम का इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन कर दिया। और दोस्तों एक मेन बात और बताते हैं आपसे कि अगर आपकी गाड़ी को आपने लंबे समय तक चलाना है रिंग पिस्टनों को, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो दोस्तों जब भी आप कनेक्टेड रॉड डालें गाड़ी में, आपने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बूश नहीं लगवाने हैं। गाड़ी की उम्मीद होती है भाई कनेक्टेड रॉड नहीं ही चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड पर ही रखें कनेक्टेड रॉड को, और रिंग पिस्टन डालेंगे वो भी आपने अच्छी कंपनी के रिंग पिस्टन डालने हैं। और जहां पर टुकड़ियों की बात आती है वहां पर भी आपने क्लोस्कर की ही टुकड़ी यूज करनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई, पुरानी कंपनी है और अच्छा दमदार रिजल्ट है। और उसके बाद हर वीक आपने अपने हवा वाले फिल्टर में हवा मरवानी पड़ेगी। और जो अपना होस पाइप है देखो ये यहाँ से कट जाते हैं बीच बीच से, देखो यहाँ पर ये देखो ये कटा हुआ है, ये क्या करेगा, ये गाड़ी को यहाँ से सांस लेगा, एक बॉडी में लगा हुआ है ये भी कटा हुआ, यहाँ से सांस लेगा फिल्टर के अंदर जाएगा, फिल्टर से क्रॉसिंग होगी, फिल्टर उस हवा को और साफ करके बाहर अंदर इंजन की तरफ देगा, यहाँ पर अपना हेड लग जाएगा, हेड को सांस देगा, जिससे क्या होगा कि अपना जो सांस दिया गाड़ी को, अगर वो स्वच्छ सांस होगा तो गाड़ी में रिंग पिस्टन प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम ऑयल की बात करें तो भी आपने बेस ऑयल इंजन का अच्छी कंपनी का यूज करना, जैसे गल्फ हो गया, वोल्वोलैंड हो गया, कैस्ट्रोल हो चुका है, सर्वो हो गया भाई, और HP के पंप से जो मिल्सी का ऑयल मिलता है आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आएगी, वीडियो बनाने का जो प्रोसीजर था हमारा यही था कि आपको ये वीडियो समझ आए। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए।